अपनी शानदार कॉमेडी से सभी का दिल जीतने वाले कपिल शर्मा ने सुबह अपने फैंस को एक गुड न्यूज साझा की। जी हां, कपिल शर्मा दूसरी बार पिता बन चुके हैं। कपिल की पत्नी गिंदी ने एक बेटे को जन्म दिया है। कपिल शर्मा के दोबारा पिता बनने के बाद सभी ने उनको शुभकामना दी और दूसरी ओर 3 साल में दूसरी बार पिता बनने की वजह से ट्रोल भी हो गए हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा ने सुबह फैंस के साथ खुशखबरी साझा करते हुए ट्वीट में लिखा कि नमस्कार, आज सुबह हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में एक बेटा मिला है। ईश्वर की कृपा से बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। आपके प्यारे दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया, गिन्नी और कपिल। अपने ट्वीट के साथ ही कपिल शर्मा ने हैशटैग ग्रेटिट्यूड का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि कपिल और गिन्नी की शादी 2018 में दिसंबर में हुई थी। जुलाई में गिन्नी के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई थी, वहीं बाद में कपिल शर्मा इसकी पुष्टि की गई थी। याद दिला दें कि कपिल शर्मा और गिन्नी की बेटी अनायरा शर्मा की बीते 10 दिसंबर को 1 साल ही हुए थे। ऐसे में इतनी जल्दी दोबारा पिता बनने के वजह से सोशल मीडिया पर यूजर कपिल को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही एक ट्रोलर ने लिखा, यह काफ़ी जल्दी थी, पिछले साल ही तो आपको एक बेटी हुई थी। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग मीम और शेयर किए। गौरतलब है कि कपिल शर्मा के ट्वीट के बाद से ही उनके फैंस बेटे को देखने और उसका नाम को जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। याद दिला दें कि कपिल शर्मा ने गिन्नी की प्रेगनेंसी की को शुरुआत से ही काफ़ी सीक्रेट रखा था, लेकिन बाद में खुद उन्होंने इसका खुलासा कर दिया था। तो ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें आज शाम प्लस।